मेरा नाम घनश्याम है, मैं यहीं पीछे ही रहता हूँ। नहीं नहीं, अपना घर नहीं है, मैं यहाँ जॉब करता हूँ। क्या ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? वो क्या है कि मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है ना, तो सोचा कि क्यों ना आपसे कुछ बातें कर लूँ। गाड़ी आ गई मेरी। 25,000 की बेसिक सैलरी में अगर आप खुद की गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते तो शेयरिंग में आप गाड़ी का लुत्फ उठा सकते हैं, वो भी एक हलकट ड्राइवर के साथ। कहाँ जाएंगे सर? वहां लिखा है ना, लिखा है ना, वहां डाला है ना वहां फोन में। हाँ तो पूछते क्यों? आप यही सोच रहे होंगे कैसा चूतिया इंसान है, फ्रस्टू कहीं का। हाँ मैं हूं फ्रस्ट्रेटेड, और हम सब होते हैं, सबके अपने अपने रीजन है। जैसे मेरे बहन की शादी का बोझ, पिताजी की बीमारी, छोटे मोटे कर्ज, और जीवन में सेक्स की कमी, तो फ्रस्ट्रेशन तो बनता है भाई। पहले ऐसा नहीं था, पहले लड़कियां थी लेकिन लोंडा सख्त था तो फिसला नहीं। हाँ वक्त हाथ से ऐसा फिसला कि जो लड़कियां थोड़ा बहुत भाव देती थी वो डायनासोर की प्रजाति की तरह कहीं लुप्त हो गई जीवन से। और उसके बाद जब शादी का विचार बनाया तो रिजेक्शन पे रिजेक्शन पे रिजेक्शन, और नतीजा आपके सामने है। और इसी रिजेक्शन को सिलेक्शन में बदलने के लिए मैं निकल पड़ता हूँ हर रविवार मुंबई की सड़कों पर, उसकी तलाश में जो कहीं ना कहीं मेरे लिए बनी होगी। वाह क्या गाने थे सर, आपके जमाने के सर, ओल्ड इज गोल्ड, आपको तो पसंद आएंगे ही। क्या मेरे जमाने के हैं? क्या मेरे जमाने के हैं? ये थोड़े से बाल के सफेद हो गए तो ओल्ड इज गोल्ड हो गया मैं? आजकल 5 साल के बच्चों के बाल सफेद हो जाते हैं और क्या लगा रखा है, ओल्ड इज गोल्ड, हटाओ इसे। और इस सफर में ड्राइवर के अलावा और भी बहुत से लोग मिलते हैं आपको। हाँ सफर का भी अपना ही एक मजा है, कभी खट्टा तो कभी बहुत मीठा। हाँ और कभी कभी ये सफर कब सफरिंग में बदल जाए ना, आपको पता भी नहीं चलता भाई साहब। ना 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 ना, आप उम्मीद मत हारिएगा क्योंकि उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। लोकेशन लोकेशन डाला है ना, मैंने डाला है ना। हाँ जी, तो पूछ क्यों रहे हो? लगता है भगवान ने इसे मेरे लिए ही बनाया है। चलो खड़े क्यों? हेलो, हाँ मैं निकल गई हूँ, बस पहुंच रही हूँ। पहुंच तो तुम चुकी हो मेरे दिल तक। एक्सक्यूज मी, ये बैग आप पीछे रख देंगे? थैंक यू। इट्स ओके। ये कौन आया दिल में हुई हलचल, क्या गाने थे, ओल्ड इज गोल्ड। आपको भी ओल्ड सॉन्ग्स पसंद है? ऑल टाइम फेवरेट किशोर कुमार, सलाठर की, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, आशा ताई, शैलेंद्र सिंह। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे, हा? कैसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा मैं तुमको, छुपा लूंगा तुमसे, अपना बना लूंगा। Hi, I'm चांदनी। Oh, wow. चांदनी तो मेरी फेवरेट फिल्म है। सन्नी पाजी ने क्या काम किया उसमें? वो दामिनी थी। अब या
आपको गानों का बहुत शौक है, आप मुझे एक्ट्रेस? नहीं, आई एम अ कोरियोग्राफर। हाँ, तभी आप अंदर आते ही वो मतलब ऐसे मैं तभी समझ गया था, मेरा घंटा समझ गया था। आपने कौन कौन सी मूवी में कोरियोग्राफ किया है? फिल्म्स में नहीं, बट हाँ स्टेज पे करती हूँ, बट सॉन्ग्स तो फिल्म्स के ही होते हैं। करेक्ट है। अच्छा, वो जो आगे नाचते हैं और पीछे बहुत लोग फॉलो करते हैं उन्हें? हाँ। आप क्या करते हैं? जी, मैं हमेशा पैसों में रहता हूँ। मतलब? एक कंपनी में कैशियर हूँ। ओके। आपकी तरह इंटरेस्टिंग जॉब नहीं है मेरी, 6 सालों की जॉब है, बोरिंग। हाँ, मेरा भी काम कुछ ऐसा ही है, कभी कभी तो बहुत कम मिलता है और कभी कभी तो छप्पर फाड़ के बरसता है। हाँ, बट आपके जैसे 9 से 6 की शिफ्ट नहीं होती है, कभी भी भागना पड़ता है, जैसे अभी भाग रही हूँ। और हाँ, सबसे बड़ी बात, हर बार अलग अलग क्लाइंट से डील करना पड़ता है। डांस इज एन आर्ट। मेरा तो बचपन से ही मतलब डांस सीखने का बहुत ही मन था। रियली? लेकिन कभी सीख ही नहीं पाया। ये एक तरह का तीर था जो मैंने लड़की की तरफ फेंका है, अब देखते हैं वो पकड़ती है या नहीं। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं सिखा दूंगी। पकड़ लिया? अरे रियली, आप डांस सिखाएंगी मुझे? Why not? Come on. Give me your hand. हेलो मैडम, आपका डेस्टिनेशन आ गया। हेलो मैडम जी, ये तो खो गए। ओ मैडम, डेस्टिनेशन आ गया, लो फिर दे दो 250 रुपए। मेरे पास तो 2000 का नोट है भैया। हाँ, मैं दामिनी, मेरा मतलब मैं दे दूंगा उसको। Call me if you have 10,000 bucks, Mr. Cashier. Nahi, I'm a choreographer. Har baar alag alag client se deal karna padta hai. Bilkul. कभी कभी तो बहुत कम मिलता है और कभी कभी तो छप्पन फाड़ के बरसते। थोड़ी ट्रिक हमें भी सिखा दो। पहले उसके 250 मेरा आना जाना छोड़, फिर देता हूँ तुझे। कहाँ जाएंगे? घर ले चलो। आज मैं फिर वहीं आके खड़ा हो गया जहां से मैंने शुरू किया था। कोई बात नहीं, अगले हफ्ते फिर रविवार आएगा। उम्मीद मत छोड़िएगा, क्योंकि उम्मीद पर तो दुनिया कायम है।
अगली तरज संगीतकार सेमल और निखिल के अंदाज में। दिल में तो फैली जब से ये खुशबू, कातिल है तू, कातिल है तू।